गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरा दिन यहाँ से शुरू हो चुका है। तो हमें आज जाना है बाहर, तो इसलिए हम आज 5 बजे उठ गए हैं। एक्चुअली मैं 4 बजे उठी हुई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए फटाफट उठना पड़ा हमें। ऐसा तो मैं लेट से ही उठती हूँ। तो यहाँ पर सुबह हो चुका है हमारा और मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें निकलना है टाइम से, नहीं तो बस हमारी मिस हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एकदम मिनिमल सा मेकअप किया है, कोई भी हैवी मेकअप नहीं किया है, तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हम निकल चुके हैं सारा सामान लेकर के, हम लोग तीनों, मैं, मेरी दोनों बहन और मम्मी हमें छोड़ने के लिए जा रही थी। मम्मी नहीं जा रही थी और वो जो हाथ में जो मेरे ट्रॉली है ना, वो काफ़ी हैवी था। बाय द वे भारी है, हम थोड़ा देर पकड़े, तू पकड़ो, हम तो थक गए। हम टाइम से घर से निकले थे ना, तो तब जाके हमें टाइम से बस मिल गया। थैंक गॉड कि हमें बस मिल गया, नहीं तो हमें ऑटो में बैठ करके धीरे धीरे जाना पड़ता। मौसम अच्छा था पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था बस में। फिर बस चलने के बाद ना हमें अच्छा रिलैक्स हुआ, क्योंकि हवा अच्छा चल रहा था, हवा लग रहा था तो अच्छा फील हो रहा था। फिर हम पहुंच चुके थे डाल्टनगंज। हमें जाना था रामाडा, जो कि डाल्टनगंज का फेमस होटल है। हम पहुंच चुके थे रिसेप्शन में, हमें वहां थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि हमारे क्लाइंट लेट थे। हमेशा ऐसे ही होता है कि हम पहले पहुंच जाते हैं और क्लाइंट वेट कराते हैं, हमें लेट से आते हैं। काफ़ी टाइम वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद ना फिर हमें रूम प्रोवाइड कराया गया। फिर हम लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जा रहे थे, लिफ्ट में बड़ा सा मिरर लगा हुआ था ना, तो मज़ा ही आ गया था वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक कराने में। तो मैं आपको छोटा सा टूर ज़रूर दूंगी इस होटल का। तो सबसे पहले तो हम पहुँचते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये था हमारे इस फ्लोर का, जिस रूम में हम स्टे कर रहे थे उसका छोटा सा टूर। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही पसंद आया, इंटीरियर वाइज, डेकोर वाइज, मुझे तो बहुत काफ़ी ही पसंद आया। फिर हमारी ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर पहुंच चुकी थी मेकअप के लिए, हमने फटाफट से यहाँ मेकअप शुरू कर दिया। मेकअप करने के बाद ना हमें पार्टी भी अटेंड करना था ना, तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़े अपने बाल वाल ठीक किए क्योंकि वो ख़राब हो गए थे, फ्रीजी हो गए थे, तो फिर मैंने यहाँ अपने बाल, अपना लुक थोड़ा बहुत ठीक किया। फिर हम पहुँचे पार्टी अटेंड करने के लिए। वहाँ का अरेंजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्पेसियस था हॉल, बहुत ही बड़ा था, बहुत सारे लोगों के बैठने के लिए बहुत सारी जगह थी। वहाँ पे सबका पूजा पाठ वगैरह चल रहा था एंगेजमेंट होने से पहले। फिर हमने स्टार्टर में कुछ कुछ खाया क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। काम करने के बाद जब खाने को फूड मिलता है ना, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और आता है।
जिस दिन हम डाल्टनगंज आए थे ना, उस दिन वहाँ का वेदर काफ़ी सही था। एकदम इतना ठंडा मौसम था ना, वहाँ मज़ा ही आ गया था। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, क्योंकि कैमरा था ना तो उससे तो काफ़ी मज़ा आता है फ़ोटोशूट वगैरह कराने में। और मुझे लगता है ना कि हमने वहाँ का एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा, हमने सारे जगह फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए थे। खाना खाने के बाद ना हम जा रहे थे ऊपर टेरिस पे, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो वहाँ का एरिया भी काफ़ी अच्छा था, तो हमने देखा नहीं था। तो हम जा रहे थे सभी लोग वहाँ पे घूमने के लिए। सामने में इतना बड़ा सा मिरर था ना, हर सीढ़ी के यह कॉर्नर में, हर सीढ़ी हर फ्लोर में ना इतना बड़ा बड़ा मिरर लगाया हुआ था ना, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। और शीशे के सामने वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेना किसको पसंद नहीं होता है। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। सेम डे में हमारा दो बुकिंग था ना, तो हमें इमीडिएटली वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा, क्योंकि लेट करना अच्छी बात नहीं होती है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।